नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन विद्या में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है भारत के जो गवर्नर हैं अलग अलग राज्यों के, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स और बाकी सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो अभी रेलवे के जो एग्ज़ाम्स बाकी हैं 29 तारीख का, 30 तारीख का, उसके बाद कुछ जिनका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था उनका एग्ज़ाम सितंबर में भी होने हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो अभी नए अपडेटेड जो गवर्नर की जो लिस्ट है उनमें से ही एक नए क्वेश्चन ज़रूर आपको आएगा, ये आप मान सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी एक दो हफ्ते पहले ही ये जो गवर्नर जो पद है उनका चेंजेस हुए हैं, तो कमिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको देखने को ये मिल सकता है। तो इसको एक बार आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिलेगा, चाहे वो ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो या एएलपी हो। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं हम लोग। देखिए आंध्र प्रदेश में अभी जो गवर्नर हैं वो है ईएसएल नरसिम्हन। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी आप लोगों को दे दिया है ताकि जो हिंदी में जो पढ़ते हैं उनको दिक्कत ना हो। तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है ईएसएल नरसिम्हन, आप देख रहे हैं उनको पिक्चर में, पोर्ट्रेट है इनका। और उनका कार्यकाल उन्होंने कब उनको शुरू किया था, 28 दिसंबर 2009। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कब शुरू किया था, आप लोग इस नाम को याद रखिएगा, मैंने एज़ पर डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश के कौन है गवर्नर, बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा। असम के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, यहाँ पर आप देख रहे हैं जगदीश मुखी जी को। बिहार के गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। बिहार के गवर्नर हैं लालजी टंडन। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कौन है, आनंदीबेन पटेल। इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, अभी जो एडिशनल जो चार्ज है इनको दिया हुआ है आनंदीबेन पटेल जी को, जो है इनको एक अतिरिक्त भार दिया हुआ है, यानी कि हो सकता है कि अभी किसी और स्टेट का भी इनको हो, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के फिलहाल जो है अभी प्रभार मतलब कौन है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। गोवा, गोवा के कौन है गवर्नर, मृदुला सिन्हा, ये हैं मृदुला सिन्हा। गुजरात, गुजरात के कौन है गवर्नर, ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के गवर्नर कौन है, ओम प्रकाश कोहली। हरियाणा, हरियाणा के कौन है, कप्तान सिंह सोलंकी। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कौन है गवर्नर, आचार्य देवव्रत। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कौन है गवर्नर, सत्यपाल मलिक। ये अभी नए नए बने हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 दिन, 23 अगस्त 2008 को ही बने हैं, 18 को ही बने हैं, इनका अभी 2 दिन हुआ है। तो मोस्ट प्रॉबली एक क्वेश्चन आपको इनसे देखने को मिल सकता है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है, आपको नाम याद रखना है सत्यपाल मलिक। झारखंड, झारखंड के कौन है, द्रौपदी मुर्मू। आगे देखिए कर्नाटक, कर्नाटक के कौन है, वाजू भाई वाला। कर्नाटक के गवर्नर कौन है, वाजू भाई वाला। केरल, केरल के कौन है गवर्नर, पी सत्तासिवम, पी सदाशिवम। केरल के गवर्नर पी सदाशिवम। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। देखिए ये आनंदीबेन पटेल जी को जो है इनको एक एडिशनल, आप लोगों को मैंने पहले अभी फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि इनको एक एडिशनल दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का, और ये गवर्नर कहाँ की हैं, आनंदीबेन मध्य प्रदेश की ये गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कौन गवर्नर हैं, सी विद्यासागर राव। सी विद्यासागर राव जी जो हैं ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। मणिपुर, मणिपुर के गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला जो हैं ये मणिपुर के गवर्नर हैं। मेघालय, देखिए फ्रेंड मैं इसको आप लोगों को थोड़ी स्पीड में बता रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि और भी इससे रिलेटेड वीडियोस मुझे बहुत सारे अपलोड करने हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल रहा हूँ। आप लोगों को जब भी मन हो अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी में, जहां भी आप उसको डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसको पढ़ने के लिए, लेकिन बस आप लोग इसको रट डालिए क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा ज़रूर। मेघालय, मेघालय के कौन है गवर्नर, गंगा प्रसाद। इनको आप देख रहे हैं पिक्चर में, मेघालय के गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। मिजोरम, मिजोरम के कौन हैं, कुमानमन राजशेखरन, कुमानमन राजशेखरन।
ये हैं मिजोरम के गवर्नर, नागालैंड, नागालैंड के कौन है, पद्मनाभा आचार्य, नागालैंड के कौन है, पद्मनाभा आचार्य, उड़ीसा, उड़ीसा के हैं गणेशी लाल, उड़ीसा के कौन है, गणेशी लाल, पंजाब, पंजाब के गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर जो हैं पंजाब के गवर्नर हैं। इसके बाद जो स्टेट आता है आपका राजस्थान, राजस्थान के कौन है, गवर्नर कल्याण सिंह, राजस्थान के गवर्नर कौन है, कल्याण सिंह। आगे देखिए सिक्किम, सिक्किम के कौन है, श्रीनिवास पाटिल, श्रीनिवास पाटिल जो हैं ये सिक्किम के गवर्नर हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना के कौन है, ESL नरसिम्हन, इनका एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, इससे पहले हमने इनका नाम डिस्कस किया था, ESL नरसिम्हन, तो तेलंगाना के लिए इनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, इनको आप देख रहे हैं पिक्चर में। त्रिपुरा, त्रिपुरा के कौन है, गवर्नर तथागत रॉय, तथागत रॉय जो है ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं। इसके बाद जो स्टेट आता है ये आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है इनमें इनका गवर्नर कौन है, राम नायक, राम नायक जी जो है उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, कृष्णकांत पॉल, कृष्णकांत पॉल जो है ये उत्तराखंड के गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, केसरीनाथ त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी जी जो हैं ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। चलिए आगे अब देख लेते हैं यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनमें कौन गवर्नर हैं या उनमें कौन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो हैं इनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, इनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अंडमान निकोबार के देवेंद्र कुमार जोशी, आप इनको देख रहे हैं पिक्चर पे, देवेंद्र कुमार जोशी जी जो हैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं। आगे देखिए चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी में आता है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ के, इसके प्रशासक कौन है, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है, वीपी सिंह बदनौर, इनके वीपी सिंह बदनौर हैं चंडीगढ़ के। आगे देखिए दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल कोड़ा पटेल, प्रफुल्ल कोड़ा पटेल ये जो हैं दादर और नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर है। दमन एंड दीव, इनके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल कोड़ा पटेल, ये दोनों दमन और दीव और दादर और नगर हवेली दोनों के हैं। आगे देखिए दिल्ली, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर आप सबको मालूम होगा क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ पे रहते हैं दिल्ली सरकार से रिलेटेड, बहुत इनसे जो पहले थे वो भी न्यूज़ पे थे, अनिल बैजल, अनिल बैजल ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, फारूक खान, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं फारूक खान। आगे देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी, पुडुचेरी के कौन है, किरण बेदी, किरण बेदी जी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी के। तो फ्रेंड ये हम लोगों ने लगभग सारे यूनियन टेरिटरीज और सारे स्टेट का हम लोगों ने डिस्कस किया, इससे पहले मैंने एशियन गेम्स का पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिन लोगों ने एशियन गेम्स का नहीं देखा है लेक्चर वो आप एशियन गेम्स का देख लीजिए, क्योंकि एशियन गेम्स अभी बहुत हॉट टॉपिक है और उस पर जिन्होंने भी मेडल जीता है, जिन्होंने भी गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज कोई भी मेडल जीता हो तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर मेडल नहीं तो ये कोई भी एक क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए ये पर्टिकुलर खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, तो उस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग जरूर से ज़रूर देखिए। मैस्कॉट में के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे भी मैं इसके रिलेटेड और भी रेलवे इसके रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो मैं डाल रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रहा है, इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।